गर्मियों में ट्रैवल के दौरान कुछ ज़रूरी बातें ध्यान रखनी चाहिए। गर्मियों में अगर आप कहीं घूमने जाएं तो सबसे पहले ट्रैवल डेस्टिनेशन के मौसम, रूट, वहां के ताज़ा हालात और वहां के कल्चर या अन्य ज़रूरी बातों के बारे में ज़रूर पता कर लें। ट्रैवल के दौरान लोग इधर उधर का पानी पी लेते हैं, ऐसी गलती कभी ना करें, इससे डायरिया या अन्य बीमारियां हो सकती हैं। सड़कों पर लगने वाले भोजन के स्टॉलों से खाना नहीं खाएं, ज़्यादा तेलीय पदार्थों का सेवन नहीं करें, इसके बजाय ठंडा और तरल पदार्थों जैसे जूस, तरबूज आदि का सेवन करें। कोशिश करें कि उबला पानी या सीलबंद मिनरल वाटर ही पिए। किसी भी डेस्टिनेशन पर जाने से पहले अपना मेडिकल चेकअप जरूर करा लें। उल्टी, दस्त, पेट और सिर दर्द आदि के लिए कुछ ज़रूरी दवाइयाँ अपने पास रख लें। हवाई यात्रा के दौरान डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। अगर यात्रा लंबी है तो एक ही पोस्चर में सीट पर ना बैठें, बल्कि समय समय पर गाड़ी से उतरकर चहलकदमी करते रहें। ट्रैवल के दौरान हैवी खाने और अल्कोहल से बचें। यात्रा के दौरान अपने पास सैनिटाइजर जरूर रखें ताकि पानी न पी मिलने पर भी आपके हाथ स्वच्छ रहें। अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान भी रखें। भोजन समय पर ही लें, अनियमितता आपका हाजमा खराब कर सकती है। ट्रैवल के दौरान हल्के और आरामदायक सूती कपड़े पहनें। अपने बालों का ट्रैवल के दौरान खास ख्याल रखें, अन्यथा शुष्क मौसम में आपके बाल पूरी तरह से बेजान और रूखे हो सकते हैं। गर्भवती महिलाएं बिना डॉक्टर की अनुमति के ट्रैवल ना करें। स्वास्थ्य को लेकर संजीदा रहें। अपने फैमिली डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर अवश्य साथ रखें। स्वास्थ्य के प्रति कोई भी लापरवाही ना करें। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनके लिए खाने पीने या उनके ज़रूरी सामान अवश्य साथ रखें। अगर आप फल, सब्जियां या पके हुए भोजन के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो इंसुलेटेड बैग का इस्तेमाल करें, वरना गर्मी की वजह से खाने का सामान खराब हो सकता है। हवाई चप्पल गर्मी में ट्रैवल करते समय जरूर रखें। यात्रा के दौरान अपना पसंदीदा तकिया ले जाएं, इससे कमर और गले में तकलीफ नहीं होगी। आपके साथ जितना कम वजन होगा सफ़र उतना ही आसान होगा। तो ये थी समर ट्रैवल के दौरान याद रखने की कुछ ज़रूरी बातें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।